भावे शेरो चैम भावे शेरो कहिए सरदार जी आप तो मुसलमान कुछ कहना मांगता है बोलिए सरदार जी क्या बात है और दोस्त शेरो से आज बहुत दिन हो गया मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं मेरी बात को जरा कहा सुनिए बोलिए सरदार जी कौन से इस इलाके में कौन बहुत बड़ा धनवा है जिसके यहां हम टाका डाल सकते हैं सरदार जी बताओ मुझको अभी अभी खबर मिली है हमारे मुखबिर ने बताया है कि जो नैना गढ़ का रंगन किसान है वो ठाकुर मालिक चंद के खेतों में मरता है सरदार जी लखपति और करोड़पति हो गया सरदार जी क्या जी हाँ जिसको रोटी नहीं नसीब होती थी वो लखपति करोड़पति बन चुका है जी हाँ सरदार जी शेर से सुना तो अच्छे चलिए यही देर चीजें क्या अच्छा चलिए बारूद के ढेर है जितने बाप बने हुए हैं सब बंद इकट्ठा करो और आज हम नानागर में प्रवेश करते हैं और रंगल किसान के हाथ खटाते हैं और उसकी जितनी ज्यादा भूमि पूरा हम लूट लें सरदार जी हमारे सभी साथी तैयार हैं चलिए देर मत कीजिए आज हमारे हाथों पहले अपने चाचा को बुला के ले आओ चाचा हो भोजन करके पता नहीं कहाँ के चले गए ये चाचा क्या पैसा रुकवा दे रहे देखो प्रिय मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ
क्या कहना चाहते हैं आप? ये बात ये है, सर्दी का महीना चल रहा है, बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से इनका लालन पालन करना, और जब ये बड़े हो जाएं इनका नाम निकाल देना अच्छे ठीक है। संगनाथ आप बच्चों के बारे में चिंता मत कीजिए, हमारे बच्चे जब सयाने हो जाएंगे पढ़ाना लिखाना इस तरह हमारा काम है, मेरा खर्च है। आप आओ हमारे साथ, पहले आराम कीजिए क्योंकि आज कई दिन हो गया आप आराम नहीं किए। आओ सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सरदार जी बोल बोल बताए हुए को नहीं पता नहीं बताएगा, बता दिया
मार को कहां पर छिपा कर रखा है, नहीं तो हमारे हाथों में दिमाग मारा जाएगा। कोई मन नहीं मिला सरदार जी, सारी बात झूठ है सरदार जी। मैं सता ये हैरान दादा ऐसे नहीं बताएगा। आप नंबर बोलिए, मैं शरान दादे को ठोकरिया उड़ा देता हूँ। नंबर बोलिए, नंबर बोलता है इसको गोलियों का खुराक बनाए। नंबर है नंबर बोलता हूं और शराब चौबे को जान से मार दो, ये नहीं बताएगा। और खामोश, अगर आवाज चलाई पहले पूरे घर को जलाकर किसी ने बचाने के लिए कदम बढ़ाया, कितनी पीतल की गोली मारूंगा कि पीतल पीने वाला लगभग एक करोड़पति बन जाएगा। नंबर मैं नंबर बोलता हूं, नंबर ए, नंबर दो, नंबर बोलिए सदाजी। मैं क्या देख रहा हूँ इस औरत के गोद में, इस औरत के गोद में बच्चा दिखाई दे रहा है। जी हाँ सदाजी दिखाई दे रहा है। उस बच्चे को छू ले और वहां से हम अपने घर होने चलते हैं। सर बताओ, हम पुलिस वाले हैं, चाहता कर सकते हैं।
हमारे बाबू को डाकू ने गोली से मार दिया। क्या कहा तुम्हारे बापू जी को डाकू ने गोली से मारा? शेरु सिंह जी हाँ, शेरु सिंह आज काम हमारे बेटे को भी उठा ले गया। अच्छा जी, तुम्हारे बेटे का क्या नाम था? ठीक है ठीक है, मेरा नाम खास उस हराम जादे इसने शरद सिंह नाक में दम कर दिया है। ठीक है राम सिंह जी हाँ, आप उठो पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ मैं न्याय दिलाऊंगा और हराम जादो को गिरफ्तार करूंगा और मैं कई कई सजा दिलाऊंगा। जी हाँ, मेरा वादा है। हमारे बाबू का नाम रंगम किसान है और हमारे माँ का नाम पुष्पवती और मेरा नाम राधु। मेरे पिता का नाम रंगम श्री रंगम किसान और माता का नाम श्रीमती पुष्पवती और मेरा नाम राधा। मेरे गांव का नाम नैनन है। तुम्हारे भाइयों का क्या नाम था? हीरा और मोती। मेरे भाई मोती को उठा ले। ठीक है, हम इसकी कड़ी कार्यवाही करेंगे इसके बारे में। मैं वादा करता हूँ मैं उन हराम जादों को जब तक गिरफ्तार नहीं कर लेता हूँ तब तक चैन से नहीं बैठूंगा और कड़ी से कड़ी सजा उसे दिलाऊंगा। ठीक है ठीक है, चलिए सर। जी हाँ सर, चलते हैं। माँ अब हम सब क्या खाएं, कैसे रहेंगे माँ? क्या किया सर बेटे? चल उड़ जा ये पंछे की अपने ऐसा नहीं हो सकता। इस बच्चे को हम पालेगा से आ। हाँ लेकिन सरदार जी, बात क्या है? कहावत कही गई है कि सांप के बच्चे को कभी पालना नहीं चाहिए। सरदार जी नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ससुआ हमारे कहने का फंदा बच्चा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये अभी बच्चा है। इसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। इसको हम पालेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, इसको बड़ा बनाएगा कि हमारे तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा होगा। ठीक है तो सरदार जी। हाँ उधर इस बच्चे को पकड़। आज से इस बच्चे को दोस्तों पिलाएगा। इस बच्चे को आज से दोस्तों पिलाएगा। हम जर्सी गाय हुए। मैं तुझको जर्सी गाय भैंस नहीं बना रहा हूँ। दुकान पर जाना
और दिव्य का दूध पिलाकर इसको पिया। क्या अभी बोल नजर आता है बदल की चमड़िया फाट के रख दो सारा खाता है क्या खा रहा है लेकिन सरदारी बात क्या है इस बच्चे का हम लोग क्या नाम रखेंगे सरदारी खबरिया में समझ आपका बेटा रहेगा तो इसका नाम रखना जरूरी है जरूरी है बोल क्या नाम रखेगा अच्छा कोई नाम बताओ इतने मोटे हो सारे पक्कू समझा इसका नाम रख दीजिए मंगलवार आज ही है मंगलवार इसका नाम रहेगा मंगल सिंह आज से इसका नाम मंगल सिंह रहेगा शेर सिंह जी हाँ सरदारी हम कबीले पर चलता है और इस बच्चे की देख रेख करना आपकी जिम्मेदारी है ठीक है सरदारी क्या बोल हमारे मुँह में बहुत दर्द तो सारे तुम्हारे सरदारी पीटर मैं इसको अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ तुम्हारे सर पे हाथ रख दो ठीक हो जाएगा आप इसके सर पर हाथ रखकर ठीक कर लिए और मैं चल रहा हूँ उसको थोड़ा काम है ठीक है आइए चल बोल सारे जो मारे हैं बदल लेगी अरे हाथ रख क्या सर गलियों की नहीं हो सकती है अरे हाथ रख क्या सजनी अरे हाथ रख क्या सजनी और चलते चलते